हैप्पी होली। पूछा हुआ है तो आप लोग भी अगर आपकी मॉम की साड़ी यूज करने वाले हैं तो पूछ के यूज करें। हाय एवरीवन, हैप्पी होली। तो जैसे कि आज होली है तो मुझे नहीं लगता कि होली खेलना सेफ होगा, पर जो लोग होली खेलना चाहते हैं वो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ होली खेल सकते हैं, पर जिनके पास कोई नहीं है होली खेलने के लिए वो लोग अपनी होली की पिक्चर्स क्लिक करके होली सेलिब्रेट कर सकते हैं। और पिक्चर्स क्लिक करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे कि हमारे पिक्चर्स में हम लोग कलर यूज करने वाले हैं तो वो आपकी स्किन को, हेयर को डैमेज कर सकते हैं। तो फोटो शूट करने से पहले हेयर पे, स्किन पे कोकोनट ऑयल लगा ले। और आपके नेल्स में कलर ना लगे इसलिए कोई नेल पेंट लगा लें। और अगर आप ये सब टिप्स फॉलो करेंगे तो आपका स्किन हेयर डैमेज नहीं होगा और कलर भी इजीली निकल जाएगा। मैं होली नहीं खेलने वाली हूँ, सिर्फ फोटोशूट करने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने अपने बाल खुले रखे हुए हैं। पर आप लोग हेयर स्टाइल भी बना सकते हैं, मैंने हेयर स्टाइल की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो उनमें से आपको जो भी हेयर स्टाइल अच्छा लगे आप वो बना सकते हैं। तो मैं बहुत सिंपल और क्रिएटिव फोटोशूट करने वाली हूँ और ऐसे पिक्चर्स क्लिक करूंगी जो आप लोग खुद से क्लिक कर सको। और मेरी पिक्चर्स क्लिक करने में मेरे मामा हेल्प करने वाले हैं, तो मैं आप लोगों को उनसे मिलाती हूँ पहले। तो ये है मेरे मामा, नमस्ते गाइस, जो कि बहुत ही अच्छा फोटो शूट करते हैं, तो आप लोग इनको इनके इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी फॉलो कर सकते हो। और इन्होंने अभी रिसेंटली अपना जर्नी बताना भी स्टार्ट किया है जो कि बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल है, तो आप लोग इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो क्या लगता है मामा, कैसा फोटो आएगा? फोटो तो बहुत ही अच्छा आने वाला है क्योंकि मैं एक अच्छा फोटोग्राफर, तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा मैं अच्छा हूँ, लेकिन एक अच्छा मॉडल मेरे बाजू में है। तो जैसे कि मेरे पास तो आप हो पिक्चर्स क्लिक करने के लिए, बहुत लोगों के पास पिक्चर क्लिक करने वाला नहीं होगा, फोटोग्राफर नहीं होगा, तो वो लोग ही पिक्चर्स क्लिक कर पाएंगे? यस, हम लोग भी क्लिक कर पाएंगे। तो मैं इस कपड़े में तो फोटो शूट करने वाली हूँ नहीं क्योंकि कलर लग जाएगा और न्यू है, तो पुराने कपड़े में करेंगे। तो पहले मैं चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, मिलते हैं शूट पे। ये मेरी मॉम की पुरानी साड़ी है जो कि मैं यूज कर रही हूँ। और हाँ, मैंने मेरी मॉम से पूछा हुआ है तो आप लोग भी अगर आपकी मॉम की साड़ी यूज करने वाले हैं तो पूछ के यूज करें। और ऊपर ये मेरा टॉप है जो कि मैंने पहना हुआ है ऐसा बना करके, बट ये ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग बहुत ही सिंपल पोज ट्राई कर रहे हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा कलर अपने गाल पे लगाया हुआ है और प्लेट में बहुत सारे कलर रखे हुए हैं। ये पोज आप लोग नॉर्मली टाइमर लगा करके भी क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट पोज के लिए भी मैंने सेम प्लेट रखा हुआ है हाथ में, जिसमें बहुत सारे गुलाल हैं, बस इसमें थोड़ा सा ज़्यादा अपने गाल पे मैंने गुलाल लगाया हुआ है। इसमें हम कैमरे में देखते हुए या फिर गुलाल की तरफ देखते हुए या फिर थोड़ा सा गुलाल लेकर के फूंक मारते हुए भी पोज कर सकते हैं। नेक्स्ट ये बहुत ही प्यारा पोज है, इसमें हमें हमारे एक हाथ में और आधे फेस पे गुलाल लगाना है और कुछ इस तरीके से पोज करना है। थोड़ा सा अपने ये एल्बो थोड़ा ऊपर लो, एल्बो मतलब, हाँ बस बस, थोड़े फिंगर थोड़ा बाहर की साइड, हाँ बस बस, आंखें क्लोज, ओके हो गया। और अब हम सेम लुक के साथ डिफरेंट पोज ट्राई कर रहे हैं।
इस पोज के लिए हमें हमारे फेस पे ज़्यादा गुलाल चाहिए, तो डायरेक्ट गुलाल हाथ से फेस पे ना लगाएं, किसी फ्रेंड की हेल्प लेकर के इस तरीके से गुलाल लगाएं। और मैंने यहाँ पे दो अलग अलग शेड यूज़ किए हैं, एक साइड पर्पल और एक साइड पिंक। नेक्स्ट है ये पोज, अगर हमारे फेस पे कुछ ज़्यादा ही कलर लगा हुआ है और हमें पिक्चर क्लिक करनी है पर सेम टाइम पे ज़्यादा फेस नहीं दिखना चाहिए, तो कुछ इस तरीके का पोज ट्राई कर सकते हैं। गुलाल कुछ ज़्यादा ही मेरे फेस पे लग गया था, तो मैंने थोड़ा बहुत क्लीन कर दिया है अभी और मेरी होली तो हो गई। और अगर आप लोग इनमें से कोई पोज ट्राई करने वाले हैं तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना, और कमेंट्स में मुझे बताओ कि आपको कौन सी पिक्चर सबसे अच्छी लगी रत्नेश की क्लिक की हुई। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हैप्पी होली। और आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। बाय।